दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हमारे कई साथी यानी कि कई ऐसे व्यूअर्स हैं आपके जैसे ही, जिन्होंने कमेंट किया था कि सर एमबीआर प्लांट के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं कि एमवीआर यानी कि मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन प्लांट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये किस किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है मैक्सिमम इसमें मैं कवर कर दूंगा। अगर इसके बाद भी कुछ छूट जाए तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैक्सिमम आपको हिंदी में मिलने वाली है, तो आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में कठिनाई हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमबीआर प्लांट के बारे में। तो आइए समझते हैं कि एमबीआर प्लांट होता क्या है। एमबीआर यानी कि मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन प्लांट एक अत्याधुनिक वेपराइजेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के लिक्विड पदार्थों को वेपराइज करने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब एनर्जी एफिशिएंसी और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को ध्यान में रखना आवश्यक हो। यह सिस्टम परंपरागत इवापोरेशन प्रोसेस की तुलना में कम एनर्जी का उपयोग करती है। तो बात करते हैं एमबीआर प्लांट के प्रोसेस के बारे में। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फीड इनपुट की। तो सबसे पहले जो लिक्विड को एक इवापोरेटर में डाला जाता है, यह लिक्विड आमतौर पर वेस्ट वाटर, जूस, केमिकल या किसी अन्य प्रकार का लिक्विड हो सकता है जिसे कंसंट्रेट या प्योरीफाई करना होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इवापोरेशन की। इवापोरेशन चेंबर में लिक्विड को हीट किया जाता है जिसे वह वेपर में परिवर्तित हो जाता है। वेपर का फॉर्मेशन तब होता है जब लिक्विड को हीट मिलती है और उसकी सरफेस से इवापोरेशन होता है। इसके बाद बात करेंगे वेपर कलेक्शन की। तो जनरेटेड वेपर को एक वेपर कलेक्शन सिस्टम में कलेक्ट किया जाता है। इस वेपर में अधिकांश वाटर होता है जिसे बाद में इवापोरेशन से अलग कर लिया जाता है। तो अब बात करते हैं वेपर रिकम्प्रेशन की। तो एक मैकेनिकल कंप्रेसर का उपयोग वेपर के रिकम्प्रेशन के लिए किया जाता है। कंप्रेसर वेपर को कंप्रेस करके उसकी प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाता है, इससे वेपर की एनर्जी एफिशिएंसी में वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं वेपर रीयूज की। तो जो अपने जो एमबीआर जो कंप्रेसर के द्वारा जो वेपर को जो कंप्रेस कर दिया गया उसको पुनः इवापोरेशन चैम्बर में फीड किया जाता है। यह वेपर जो हाई टेम्परेचर पर होता है इवापोरेशन प्रोसेस को जारी करने के लिए हीट सोर्स के रूप में कार्य करता है, जिससे लिक्विड को पुनः वेपराइज किया जाता है। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड लिक्विड रिमूवल की। तो ये ऑपरेशन के बाद जो बचा हुआ कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है जिसमें जो वाटर की जो कंटेंट होते हैं बहुत ही कम होते हैं, वो तो प्लांट से बाहर निकाला जाता है यानी कि उसको प्लांट से आउट कर दिया जाता है। यह लिक्विड अब और भी अधिक कंसंट्रेट या प्योर हो जाती है, जिसको हम लोग क्या ड्रायर में फीड करते हैं। अब बात करते हैं कंडेंसेट रिमूवल की। तो रिकम्प्रेशन और इवापोरेशन प्रोसेस के दौरान उत्पन्न कंडेंसेट यानी कि लिक्विड वाटर को अलग किया जाता है और उसे प्लांट से बाहर निकाला जाता है। इसे प्योर वाटर के रूप में पुनः रीयूज भी किया जा सकता है। तो इस डायग्राम के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि एमबीआर प्लांट कैसे वर्क करता है। तो इसमें देखिए, पहले क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है जिसको आपको कंसंट्रेट करना है इसके अंदर फीड करेंगे। इसमें देखिए टॉप से फीड हो रहा है, यह आएगा बॉटम में। अपनी जो एनर्जी है यानी कि इसका टेम्परेचर कम रहता है और इसमें क्या होती है, जो इसमें हीटिंग सोर्स है उसको इसे हीट मिलती है और ये वेपराइज हो जाता है। तो वेपराइज होने के बाद इसका जो वेपर होगा, वेपर फिर जाएगा कहां पर, साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर में जितना कंडेंस हो पाएगा, कंडेंस में नहीं तो जो वेपर है वो वेपर जाता है आपके एमबीआर जो कंप्रेसर है यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो कंप्रेसर होता है उसमें जाता है। आपके जो वेपर का जो टेम्परेचर होता है वो पहले कम होता है और इसका जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है, लेकिन इसका जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बाद इसका जो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग जो अगेन जो भेजते हैं अपने इवापोरेशन चैम्बर में। इसमें देखिए ये जो रोटेशन है कंटिन्यू चलता रहता है और इसमें आपका जो रॉ जूस है यानी कि जो विक सोल्यूशन है वो कंसंट्रेट होता जाता है। तो इसमें इनिशियली क्या करना पड़ता है, आपको टेम्परेचर तो देना पड़ता है इसे आउटर सोर्स के द्वारा, लेकिन एक बार सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो वो जो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है यानी कि जो एमबीआर जो कंप्रेसर है वो सेल्फ इसके टेम्परेचर को बूस्ट
करता रहता है और आपको एडिशनल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि हीटिंग सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए बहुत ही यूजफुल है और आजकल मैक्सिमम इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। तब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे ये वर्क करता है। तो मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में गन्ने के जूस को कंसंट्रेट करना है ताकि शुगर का उत्पादन किया जा सके। इसमें देखिए कैसे करते हैं कि गन्ने के जूस को इवापोरेशन चेंबर में डाला जाता है, गन्ने के जूस को गर्म किया जाता है जिससे वेपर और थिक जूस अलग हो जाते हैं। जनरेटेड वेपर को एक कंप्रेसर के माध्यम से कंप्रेस किया जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। यह रिकम्प्रेस वेपर इवापोरेशन चेंबर में अगेन डाली जाती है ताकि अधिक जूस वेपराइज हो सके। अंत में थिक जूस जिसमें अब वाटर कम और शुगर अधिक है वो बाहर निकाल लिया जाता है और वेपर से प्राप्त कंडेंसेट यानी कि वाटर को पुनः उपयोग के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार एक जूस से जो शुगर यानी कि शक्कर बनाई जा सकती है MBR टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि MBR प्रोसेस का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है, यानी कि किस किस इंडस्ट्री में किया जाता है। तो देखिए जो भी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इवापोरेशन के द्वारा लिक्विड को कंसंट्रेट किया जाता है यानी कि विक सॉल्यूशन को एक थिक सॉल्यूशन या पाउडर में कन्वर्ट करना होता है, वहां पर MBR प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम लोग बात करें, फर्स्ट डेयरी इंडस्ट्री की, डेयरी इंडस्ट्री में दूध के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसमें MBR प्रोसेस का यूज किया जाता है। जिसमें और एक एग्जांपल देखा जाए तो आपका दूध से जो पाउडर जो मिलता है, दूध का पाउडर मिलता है तो MBR प्रोसेस के द्वारा ही बनाया जाता है। दूध से दही बनती है, क्रीम बनती है, जो छाछ बनता है, तो जो भी मटेरियल ऐसे बनाए जाते हैं वो MBR प्रोसेस के द्वारा ही बनाए जाते हैं, यानी कि जहां पर विक सॉल्यूशन को एक थिक सॉल्यूशन या पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। तो शुगर इंडस्ट्री में जो आपका जो गन्ने का जो जूस होता है, गन्ने के जूस से क्या करते हैं, शक्कर को बनाते हैं। जो केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में कई ऐसे केमिकल होते हैं जिनका जो कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, उसमें उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए या किसी वीक सोल्यूशन को एक पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए भी केमिकल इंडस्ट्री में MBR प्रोसेस का यूज किया जाता है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी MBR प्रोसेस का यूज किया जाता है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में MBR प्रोसेस का यूज होता है जिसमें हम जो वीक जो कोई भी जो फूड मटेरियल है उसको हम कंसंट्रेट कर पाते हैं और उसकी जो लाइफ को और बढ़ा पाते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए MBR प्रोसेस का यूज होता है जिसमें हम उसको ट्रीट करके, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके और वाटर को पुनः रीयूज कर पाते हैं। सॉल्ट प्रोडक्शन में MBR प्रोसेस का यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में MBR प्रोसेस का यूज किया जाता है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी MBR प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्लोरीन और सोडा एस प्रोडक्शन के लिए भी MBR प्रोसेस का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में MBR प्रोसेस का यूज किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। तो अब बात करते हैं MBR प्रोसेस के एडवांटेज के बारे में। इसमें देखिए फर्स्ट है एनर्जी सेविंग। तो MBR जो प्रोसेस होती है ये अपनी जो एनर्जी है ये सेल्फ जनरेट करती है और ये बहुत सारे ऊर्जा को सेव करती है, इसलिए ये ऊर्जा की बहुत ज्यादा बचत करती है। सेकंड इसके जो फायदा है वो है एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो MBR प्रोसेस का कम ऊर्जा उपयोग ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करता है, इससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्रोसेस इन्वायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स का पालन करने में सहायता करती है। थर्ड बेनिफिट है लो ऑपरेटिंग कास्ट। देखिए एनर्जी की बचत के कारण MBR प्लांट को ऑपरेट करने के लिए जो लागत आती है वो कम आती है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी की जो कंजप्शन होती है बहुत ही कम होती है और ये जो प्लांट है लंबे टाइम तक चलते हैं और ये बहुत ही लाभकारी होते हैं। फोर्थ बेनिफिट है हाई एफिशिएंसी। MBR प्लांट में जो रिकम्प्रेशन वेपर का उपयोग किया जाता है जिससे प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। यह जो सिस्टम है अधिक तापमान पर काम करती है जिससे जो ऑपरेशन की जो रेट है वो भी ज्यादा होती है। फिफ्थ है वाटर सेविंग। MBR प्रोसेस में उत्पन्न होने वाले कंडेंसेट को पुनः उपयोग किया जाता है जिससे वाटर की जो खपत है वो कम होती है और वाटर को अन्य प्रोसेस में या कूलिंग टावर में पुनः उपयोग किया जा सकता है। सिक्स बेनिफिट है फ्लेक्सिबल डिजाइन। तो MBR सिस्टम को विभिन्न प्रकार के लिक्विड पदार्थों और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। MBR प्रोसेस का सेवंथ बेनिफिट है मिनिमल मेंटेनेंस। तो MBR प्रोसेस का डिजाइन सरल और मजबूत होता है जिससे इसे बनाए रखना आसान होता है। कम कॉम्प्लेक्स के कारण मेंटेनेंस की आवश्यकता भी कम होती है। तो ये तो हो गई MBR प्रोसेस के एडवांटेज के बारे में। अब हम बात करेंगे MBR प्रोसेस के डिसएडवांटेज क्या है। इसमें देखिए फर्स्ट है हाई इनिशियल कास्ट।
तो एमवीआर प्लांट को लगाने के लिए आपकी जो इनिशियल जो कास्ट आती है बहुत ही अधिक आती है, क्योंकि जो प्लांट को डिजाइन कराना, इक्विपमेंट को खरीदना, इसको इंस्टॉलेशन कराना, तो जो अन्य जो ऑपरेशन जो प्लांट हो उनकी तुलना में इसकी जो इनिशियल कास्ट होती है वो ज्यादा लगती है। तो सेकेंड डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड ऑपरेशन। तो एमवीआर जो प्लांट की जो डिजाइन होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और इसको ऑपरेट करने के लिए जो भी ऑपरेटर होंगे उनको वेल नोन होना चाहिए इस ऑपरेशन के, यानी कि पूरे प्रोसेस के बारे में। अगर नहीं होते हैं तो आपको बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंज देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज है हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो एमबीआर जो प्लांट होती है इसमें आपका जो वेपर कंप्रेसर होता है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एमबीआर प्लांट में। अगर ये मेंटेनेंस में गया तो आपकी जो प्लांट है वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, और इसका जिसके जो ऑपरेशन पे क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा। तो इसीलिए जो इसका मेंटेनेंस वाइज देखा जाए तो इसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो एमवीआर प्लांट में नॉइज और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो एमवीआर प्रोसेस को लिमिटेड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज, क्योंकि हर तरह के जो विक्स सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए एमवीआर प्रोसेस का उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है वो है वेपर प्योरिफिकेशन, यानी कि हम लोग जानते हैं कि एमबीआर प्रोसेस में जो इसका जो वेपर जनरेट होता है इसी वेपर को हम लोग कंप्रेस करके फिर उसको हीटिंग सोर्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि स्टीम के जगह इसको यूज करते हैं। तो अगर जब आपको वेपर जो प्योर नहीं होगा तो उससे आपके प्लांट के ऊपर इम्पेक्ट आएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एमबीआर प्लांट जो पूरी अपनी जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है वेपर कंप्रेसर के ऊपर, तो वेपर कंप्रेसर में कुछ भी और दिक्कत आता है तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो बंद हो जाती है, वो जो ट्रीटमेंट होता है वो बंद हो जाता है, जिससे बहुत सारे नुकसान को झेलना पड़ता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एमबीआर एंड की मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन प्लांट कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे किसी विक्स सॉल्यूशन को कंसंट्रेट किया जाता है, उसको कैसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ये किस किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।